क्वेश्चन नंबर 27 एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब 220 से अंक मिले, 20 से फेल हो गया, तो 20 और जोड़ दो तो पास होने वाले आ गए। तो 240 अंक जो है वो किसके बराबर है? 40% के, क्योंकि उम्मीदवार 40% पे पास हो जाता है। तो 1% की वैल्यू 6 आ गई। तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक का मतलब 100%, 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 600। तो परीक्षा के अधिकतम अंक आ गए 600, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। सीधी सीधी बात है कि 220 अंक मिले उम्मीदवार को, तो 20 अंकों से फेल हो गए। तो 220 में 20 जोड़ेंगे तो पास होने वाले अंक आ जाएंगे, पास मार्क्स आ जाएंगे उसके 240, जो कि 40% है। लिखा हुआ है 40% पे पास होता है, तो 40% इक्वल टू 240, तो 1% की वैल्यू आ गई 6, तो 100% की वैल्यू आ गई 600।